सुक्रल ओ सिरप्स जो कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस के मरीज इस्तेमाल करते हैं, किसी को अल्सर हुआ है, पेट में घाव हुआ है, ऐसे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। आखिर किन किन और जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना इसका डोज डॉक्टर देते हैं, इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जानेंगे हम आज इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे रह ना जाए, और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनको इस जानकारी की आवश्यकता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत, आज बात करूंगा सुक्रल ओ सिरप के बारे में। बात करें दोस्तों सुक्रल ओ सिरप्स में, इसमें आपका दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपका सुक्रल फेट और ऑक्सेंटाकेन प्रेजेंट होता है। ये जो सुक्रल फेट है दोस्तों, ये आपकी एक तरीके की साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। साइटोप्रोटेक्टिव का मतलब ये हमारी, अगर किसी को घाव हुआ है, मान लीजिए ये मेरे हाथ में यहाँ हमारा घाव हुआ है, यहाँ पे आपका जो है पेट में हमारे एसिड प्रेजेंट होता है, ये एसिड बार बार इस पे जाएगा तो हमारा घाव सही से ठीक नहीं होगा, इसको सूखने में, इसको पूजने में टाइम लगेगा। वहीं अगर हम इसको किसी चीज़ से ढक दे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी हील हो जाएगा, बहुत जल्दी सही हो जाएगा और हमको उस लक्षणों से निवारण मिल जाएगा। तो ये जो सुक्रल फेट है, ये इसको साइटोप्रोटेक्टिव मतलब सेल को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एसिड इस पे अटैक नहीं कर पाता और आपको कोई समस्या नहीं होती, जल्दी से घाव आपका ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो आपकी ऑक्सेंटाकेन प्रेजेंट होती है, ये आपकी तरीके की एनेस्थेटिक एंटा एसिड है। ये दोस्तों आपका जो है सुन्न कर देती है, आप बोल सकते हैं कि ये उतने एरिया को, जैसे कि होता है ना कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गंभीर दर्द होने लगा, आपका जलन होने लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे केस में क्या, इसलिए डॉक्टर आपको इसको ज़रूर देते हैं। मैं भी इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने किसी भी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट या फिर पेप्टिक अल्सर के मरीजों को। बात करेंगे इसका यूजेस की दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया है, अब ये गैस्ट्राइटिस बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। गैस्ट्राइटिस कुछ और नहीं होता है, गैस्ट्राइटिस का मतलब हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। अगर वहीं पे अगर उसकी म्यूकोसा में किसी तरीके की सूजन हो जाए, म्यूकोसा में सूजन हो गई, उसको हम लोग दोस्तों बोल देते हैं गैस्ट्राइटिस। इसका कारण बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आमतौर पे जो देखा जाता है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, वहाँ पे आपका अल्सर क्रिएट करता है, बना देता है पोर, जिसकी वजह से आपके पेट में एसिडिटी, आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगेगा, आपको लग रहा है आपके पेट में जलन सी महसूस होगी, आपको बार बार जो है डकारे भी आने लग सकती हैं, आपको पेट फूलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो है पेट में हमेशा आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती है। इसके अलावा ऐसे जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वहीं इसका इस्तेमाल हम ड्यूडनम अल्सर में भी करते हैं, और किसी भी तरीके का अगर पेट में, ड्यूडनम में, किसी आंत में भी अगर किसी तरीके की समस्या है तो दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका जो हो कॉम्बिनेशन में आता है, आपको अलग अलग नहीं लेना होता है, तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। बात करेंगे दोस्तों इसके डोजिंग की। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आता है, क्या इसको खाने के पहले लेना है या फिर खाने के बाद लेना है। डॉक्टर आपके हमेशा बताएंगे इसको आपको खाने के 30 से 35 मिनट पहले लेना होता है, या फिर अगर आपने खाना खा लिया है तो खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल रहता है लोगों के मन में, इसका इस्तेमाल PPI के साथ तुरंत मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है काम एसिडिक मीडियम में करती है। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, एंटा एसिड भी पी लेंगे और आपका इस्मोपेराजोल, पेंटापेराजोल जैसी टैबलेट कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बात मेरी बहुत ज़्यादा जी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने तुरंत उसका इस्तेमाल किया है तो थोड़ी देर बाद इसको मत लीजिए, क्योंकि क्या काम करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, आपके पेट में जो एसिड है बेसिक हो जाता है, इसको काम ये काम नहीं कर पाता। ऐसे केस में इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपके डॉक्टर से आप प्रिकॉशन जरूर पूछिए, फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिएगा, हमेशा अवेलेबल मैं रहता हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। बात करेंगे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की। कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत माइल्ड है, हर किसी को देखने को भी ये साइड इफेक्ट नहीं मिलते, जैसे कि पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन होना और आपका जो है डायरिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत रेयर है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो लोग जिनको
इस दवा का हाइपर सेंसिविटी है, मतलब एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को, जरूरी नहीं है कि 10 में 9 लोगों को ये हो, 10 में 9 लोगों को इसकी दिक्कतें नहीं देखने को मिलती, 10 में एकाक लोग को दिक्कत आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आए। ऐसे लोग जिनको हाइपर सेंसिविटी है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लोग जिनकी किडनी खराब है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर से बताएं, डॉक्टर इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपको ज़रूर देंगे। इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की सुक्रल फेट और ऑक्सेंटाकेन सिरप के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।